डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12 नीट आई टीजेई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउट नट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउट नट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। बीकेएसयू के ऐसे स्टूडेंट जिनका सत्र 2018-21 है, पार्ट 2 एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है। इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके छात्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से पल पल की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में एक ऐप होता है, इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर सर्च कीजिए बीकेएसयू, क्या सर्च करना है, BKSU आरा ऑफिशियल, ऑफिशियल का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, और लगभग आपको 7000 छात्र मिलेंगे, वहाँ पर जुड़ जाइए। जो भी नोटिस रहता है हम लोग वहाँ पर डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी जो भी नोटिस रहता है हम लोग डाल देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं जो सत्र 2018-21 का BSc पार्ट 2, BA पार्ट 2, BCom पार्ट 2 का वेबसाइट पोर्टल पर जो अपडेट दिया गया है, मतलब वहाँ पर ऑप्शन को खोल दिया गया है, उसमें पूरा डिटेल्स में बात करते हैं कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप पार्ट 2 का फॉर्म भराएगा। तो इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके छात्र हित में शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताएंगे कि क्या आपका स्टेप है जिससे आप पार्ट 2 का फॉर्म भर पाएंगे, और पार्ट 2 का फॉर्म आप ऑनलाइन ही भर पाएंगे। बहुत बड़ी अपडेट, आपका स्नातक पार्ट 2 2018-21 का फॉर्म ऑनलाइन ही भराएगा, और इसके लिए विश्वविद्यालय बहुत जल्द सूचना जारी करेगा। विश्वविद्यालय अभी सूचना जारी नहीं किया है, लेकिन वेबसाइट पर पोर्टल में ऑप्शन दे दिया गया है। तो चलिए पूरा डिटेल्स में आपको वहां पर बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है exam.bkseonline। क्या टाइप करना है? exam.bkseonline, और यहां से आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं हम लोग बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा exam.bkseonline.in के ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं। यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है यूजी एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और अभी आप लोग का स्नातक पार्ट 1 का 19-22 का फॉर्म भरा रहा है, 25 तक लास्ट डेट है, लेकिन 18-21 का BSc पार्ट 2, BA पार्ट 2, BCom पार्ट 2 का पोर्टल पर अपडेट दे दिया गया है। आपका फॉर्म ऑनलाइन ही भराएगा, लेकिन अभी विश्वविद्यालय कोई सूचना जारी नहीं किया है। जैसे ही सूचना जारी करेगा आपको पूरा डिटेल्स में एक बच्चे का फॉर्म भर के दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम टाइप में सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 3 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यूजी रेगुलर, मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यूजी फेल्ड 1 से स्टूडेंट है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मतलब जो फेल हो गए हैं या एडमिशन लेके पार्ट 2 का एग्जाम छोड़ दिए थे तो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर, और प्रमोटेड छात्र यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हम लोग चलिए यहाँ पर यूजी रेगुलर पर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपको कोर्स को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो आपको कोर्स दिखाई दे रहा है इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं BA जनरल ईयर 2, यहाँ पर देखिए BSc जनरल ईयर 2, यहाँ पर देखिए BCom जनरल ईयर 2, और चलिए ऑनर्स का देखते हैं BA ऑनर्स ईयर 2, यहाँ पर BSc ऑनर्स ईयर 2, यहाँ पर BCom ईयर 2, देख सकते हैं ऑनर्स का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 2 का यहाँ पर ऑप्शन को खोल दिया गया है। ये पोर्टल पर केवल खोला गया, विश्वविद्यालय अभी सूचना जारी नहीं किया है। सूचना जारी करने के बाद ही आप लोग का पार्ट 2 का फॉर्म भराएगा। अभी बहुत सारे कॉलेज में नामांकन नहीं हुआ है, जब तक नामांकन कम्प्लीट नहीं होगा आप लोग का सूचना जारी नहीं करेगा BKSU आरा। जैसे ही सूचना जारी करेगा आपको वीडियो प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। इसके बाद देखिए, चलिए यहाँ से हम लोग मान लीजिए यहाँ पर BA ऑनर्स ईयर 2 पर सेलेक्ट करते हैं। कहां रहा? ये रहा आपका, देखिए BA ऑनर्स ईयर 2, यहां पर हम लोग BA ऑनर्स ईयर 2 पर सेलेक्ट कर लिए, और यहां पर सर्च इन पर आप क्लिक कीजिएगा तो सर्च इन पर आपको 2 ऑप्शन ओपन होगा, और यहाँ पर जैसे ही आप सर्च इन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप रोल नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में कॉमन होता है, तो हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर चलिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल दिया है। यहाँ पर आप फादर्स नहीं तो मदर्स कोई एक का नेम डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इनका मदर्स नेम को यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मदर्स नेम को डाल दिया है और यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को चलिए यहाँ पर डालते हैं। कैपिटल के 5, कैपिटल डब्लू 4, कैपिटल यू कैपिटल एक्स। और इतना करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो रिकॉर्ड नॉट फॉर्म बता रहा है, मतलब अभी इसका पोर्टल केवल ऑप्शन खोला गया है, फॉर्म अभी इसमें नहीं डाला गया है पार्ट टू का। जैसे ही फॉर्म आएगा आपको एक बच्चे का पूरा डिटेल्स में भर के दिखा देंगे, तो आप लोग वेट कीजिए। अभी पार्ट टू का एडमिशन बहुत कॉलेज में बाकी है, एडमिशन समाप्त होने के बाद ही विश्वविद्यालय इसका सूचना जारी करेगा। अभी केवल यहाँ पर ऑप्शन में आपको BA, BCom और BSc ईयर टू का ऑप्शन को अपडेट कर दिया गया है। यह पूरा डिटेल्स में आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ईयर टू BA, BCom, BSc का खुल गया क्या, फॉर्म भराने लगा है, इसलिए हम लोग ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं।